दोस्तों, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यहाँ हर घर में एक इन्वेंटर बैठा है। दोस्तों, विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको भारत के ऐसे ऐसे जुगाड़ दिखाएंगे जिनका आविष्कार हमारे देश के लोगों ने अपनी अपनी जुगाड़ टेक्निक से किया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसका टाइटल है इंडियन जुगाड़ दैट विल ब्लो योर माइंड। नंबर एक, दोस्तों सबसे पहले मिलिए इस छोटे उस्ताद से। इस बच्चे का नाम दर्शन है। दर्शन की माँ लोगों के घरों में जा जाकर कपड़े धोया करती थी और एक दिन वो बीमार पड़ गई। तब दर्शन से अपनी माँ की हालत देखी नहीं गई और फिर इस 14 साल के बच्चे ने देशी जुगाड़ से एक वॉशिंग मशीन बना डाली। इस वॉशिंग मशीन को बनाने में दर्शन ने किसी भी खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक बड़ी सी कैन, एक साइकिल और एक लोहे के जाल से उसने इस मशीन को बना डाला। दोस्तों, इस मशीन को चलाना भी बेहद आसान है। बस कपड़े को इस लोहे के जाल में रखना है और साइकिल का पैडल शुरू कर दीजिए। बस धुल गए आपके कपड़े मिनटों में। इसे कहते हैं हिंदुस्तानी जुगाड़, एक बेटे का अपनी माँ के प्रति प्यार। इस बच्चे को हमारा सैल्यूट है। दोस्तों, आप भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर दो, दोस्तों जब हम किसी चिकन शॉप पर जाते हैं तो वहां चिकन की बॉडी से पंख निकालने में बहुत वक्त लग जाता है और हम इंतजार के सिवाय कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन हमारे देसी भैया ने इसका भी देसी जुगाड़ निकाला है। इन्होंने एक ड्रम के अंदर कई सारे पाइप्स लगा दिए, जिसके बाद बस साइकिल का पैडल घुमाया और चिकन पूरी तरह से साफ हो गया। है ना कमाल की टेक्निक। आखिर चिकन की डिमांड इतनी है तो इन्वेंशन भी तो होगी ना। नंबर तीन, दोस्तों खेत में किसान पहले एक पुतला लगा दिया करते थे, जिससे पक्षियों को लगता था कि वहां इंसान खड़ा है। लेकिन अब जमाना बदल गया है और पक्षी अब उसी पुतले पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में देश के जुगाड़ी लोगों ने एक नया जुगाड़ लगाया। देखिए कैसे उनकी इन्वेंशन खेत से पक्षियों को दूर रख रही है। उन्होंने एक पंखे के साथ प्लेट को फिक्स कर दिया और एक लकड़ी भी लगा दी, जो पंखे के साथ रोटेट होकर आवाज निकाल रही है। इस आवाज से पक्षी, जानवर तो क्या, कोई इंसान भी खेत के पास नहीं फटकने वाला। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई काम जुगाड़ से किया है तो कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं। नंबर चार, दोस्तों इस ट्यूबवेल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये बिजली या किसी जनरेटर से चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो इस किसान भाई का अनोखा जुगाड़ है। ये अपनी बाइक की मदद से ट्यूबवेल चलाकर खेतों में पानी दे रहा है। दोस्तों, अब समझे हमारा भारत क्यों इतना महान है। हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। नंबर पांच, दोस्तों पेड़ों पर चढ़ना शुरू से ही बहुत मुश्किल रहा है। कई बार ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते वक्त गिरने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं भारत के एक ऐसे फार्मर और उनके बेटे से, जिन्होंने मिलकर पेड़ पर चढ़ने वाली मशीन बनाई है। इस मशीन से कोई भी इंसान आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है और जहां चाहे वहां ब्रेक की मदद से इस मशीन को रोक भी सकता है। इस मशीन को ऑपरेट करना भी बड़ा ही आसान है। दोस्तों, जो काम बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर सकी, वो काम इस फार्मर और उनके बेटे ने कर दिखाया। कहा था ना, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नंबर छह, दोस्तों किसी के लिए बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन है, तो किसी के लिए बाइक सिर्फ टशन दिखाने का जरिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका इस्तेमाल अपने मन माफिक तरीके से करते हैं, जैसे कि ये लोग जो बाइक की मदद से कितनी फटाफट चारा काट रहे हैं। इन्होंने अपनी बाइक के टायर को चारा काटने वाली मशीन के चरखे से लगाकर बाइक स्टार्ट कर दी और चारा कटना शुरू हो गया। और दोस्तों, कई लोग ये काम अपनी साइकिल से भी कर लेते हैं, जैसे ये बूढ़े चचा।
दोस्तों, आप अपनी बाइक से क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नंबर 7, दोस्तों हार्वेस्टिंग का ये तरीका देखिए, कितनी आसानी से ये किसान फसल जमा कर रहा है और ये इस देसी जुगाड़ की मदद से कर रहा है। इस मशीन की मदद से एक मिनट के अंदर ही जमीन पर फैला हुआ अनाज आसानी से कट्टे में भर लिया जा रहा है। भाई वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। नंबर 8, दोस्तों अब इस स्त्री से मिलिए जिसने कपड़े प्रेस करने का नया जुगाड़ ढूंढ लिया है। ये प्रेशर कुकर से अपने कपड़े प्रेस कर रही है। दोस्तों आपने सुना है ना, वो स्त्री है और कुछ भी कर सकती है। नंबर 9, दोस्तों अब खेतों में कीटनाशक डालने का ये तरीका देखिए, कोई सोच भी नहीं पाया होगा कि इतने बड़े खेत में कोई आसानी से कीटनाशक डाल सकता है। बड़े बड़े गुब्बारों को पाइप के साथ बांधकर उनके कई एग्जिट पॉइंट बना दिए गए। इसे कहते हैं असली देसी जुगाड़। दोस्तों आपके गांव के किसान कैसे कैसे जुगाड़ लगाते हैं, ये कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। नंबर 10, दोस्तों अब इस टेक्निक को आप क्या कहेंगे, इन्होंने खेत में पानी फैलाकर डालने का एक नया ही तरीका इजाद कर लिया है। एक मूविंग फैन लिया और उस पर पानी की पाइप फिट कर दी। क्या बात है, ना मेहनत लगी ना टाइम, और सारा काम भी हो गया। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। नंबर 11, दोस्तों अब इनको देखिए, ईंटों को ऊपर पहुंचाना इनके बाएं हाथ का खेल है। कहां ईंटों को पहुंचाने में कई मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जिसमें समय भी बहुत लगता है, लेकिन इन्होंने इसका एक अलग ही हल ढूंढ निकाला है। दोस्तों इसे कहते हैं परफेक्ट देसी जुगाड़। नंबर 12, दोस्तों अब बारी है आपको भारत के जीनियस जुगाड़ मैन से मिलवाने की। ये हैं असम के उद्धव भराली। दोस्तों इनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से गुजरी। सन 1987 में गरीबी और पारिवारिक समस्याओं की वजह से ये अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और ये लगे रहे समाज को कुछ अनोखा देने की कोशिश में। साल 2006 में इन्होंने अनार के दाने निकालने वाली मशीन का आविष्कार किया, जिसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और इसके बाद ये अपने आविष्कारों को आगे बढ़ाते चले गए और कई सारी मशीनें बनाई, वो भी देसी जुगाड़ से। उन्होंने कुल 140 से ज्यादा आविष्कार किए। दोस्तों उद्धव के इन आविष्कारों के चलते नासा ने भी उद्धव को पुरस्कृत किया है। नंबर 13, दोस्तों भुट्टा खाने का शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन उसके दानों को अलग करना बड़ी ही मशक्कत का काम होता है, लेकिन इस देसी जुगाड़ को देखिए, कुछ ही सेकंड में ये पूरे भुट्टे के सारे दाने उससे अलग कर रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, भारत के किसानों की ये टेक्निक अमेरिका के किसानों को भी खूब पसंद आई और वो भी इसे फॉलो करने लगे हैं। दोस्तों वैसे आप भुट्टे के दाने कितनी जल्दी अलग कर लेते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 14, दोस्तों अगर आपको एक नारियल छीलने के लिए कहा जाए तो आप इस काम में कितना वक्त लगाएंगे, लेकिन हम ये तो दावे से कह सकते हैं कि आप इतनी तेजी से नारियल नहीं छील पाएंगे। देसी जुगाड़ से बनी ये मशीन एक मिनट के अंदर ही पूरा नारियल छील देती है। नंबर 15, दोस्तों अंत में मिलिए हरियाणा के कुलदीप से, जिन्होंने बाइक के इंजन से एक अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट बना डाला, जो 1 लीटर पेट्रोल से 12 मिनट तक उड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप ने चंडीगढ़ से टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और उनके पिता एक किसान हैं। कुलदीप अपनी हर इन्वेंशन का श्रेय अपनी फैमिली और खास करके अपने पिता को देते हैं। दोस्तों आप भी उड़ना चाहेंगे ना इस एयरक्राफ्ट में? दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इंडिया में टैलेंट हर घर में है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जुगाड़ सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।